हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्वेद ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 9th की मैथ से चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स से लिया गया है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। और भी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.41, इफ ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53, फाइंड एंगल डी सी ई। इस क्वेश्चन में हमें डी सी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है? तो चलिए फिर सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ये बताया गया है ए बी पैरेलल टू डी ई, एज ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल देन वी हैव, देखो जो हमारा एंगल है बी ए ई वो इक्वल है इस वाले एंगल के ए ई डी। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो हमें इस ट्रायंगल में ये एंगल फाइंड करना है, तो हम सिर्फ ये ट्रायंगल लेंगे, तो बस हम यही बोलेंगे सी ई डी, ठीक है? एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। अब इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इसको अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं। अब बी ए सी की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 35 डिग्री। तो मींस एंगल सी ई डी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, ठीक है? ये कितना हो जाएगा, ये 35 डिग्री हो जाएगा। देखो ये पता है, ये पता है, इसको फाइंड करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। सो आल्सो एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल डी सी ई प्लस सी ई डी की वैल्यू 35 डिग्री है और सी डी ई की वैल्यू हमें दिया गया है 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल डी सी ई प्लस 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 5 8, ये कितना आ गया, 88 डिग्री, ठीक है? इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 88 डिग्री है ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, माइनस में, -88 डिग्री, ठीक है? तो फिर फाइनली क्या मिलेगा, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2। अब देखो 7 बचे गए यहाँ पर, 7 माइनस 8 होगा नहीं, जाके कर ही लेगा 17 हो जाएगा, तो 17 माइनस 8 बिकम 9, तो ये आ जाएगा 92 डिग्री, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।